भाई इस कैमरे की बात करें तो ये रहा मेरे पास कैमरा। ये है कैनन का M50 Mark II वेरिएंट है, और इसके साथ जो ये लेंस लगा पड़ा ये है 1545 जो कि वाइड लेंस है, जो कि ये देखो गिम्बल है कुछ इस तरह ये दिखता है। इसके अंदर 3 एक्सेस गिम्बल यानी कि तीन मोटर इसके अंदर लगी होती है, 1, 2 और ये 3 देख लो। अब ये जो लेंस है इसको भाई मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ पोर्ट्रेट्स के लिए, और भाई ये 50mm का लेंस है। ये एक लेंस आप पूरी की पूरी वेडिंग कर सकते हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन रीज़न क्या है कि वीडियो लेट होने का कि भाई वेडिंग सीजन ऑन था, वेडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से वीडियो इस चैनल पे अपलोड ना करने की वजह से चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और बस मुझे रोना आ रहा है, बस मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन भाई आप लोग क्या पता जिंदगी में क्या ही चल रहा है। तो आज की इस ब्लॉग की वीडियो में होने का वाला बेसिकली बहुत से लोग मुझे ये कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आप अपना ब्लॉगिंग सेटअप दिखाओ प्लस वेडिंग सेटअप दिखाओ, कि आप वेडिंग में कौन सा कैमरा यूज करते हो और आप ब्लॉगिंग में कौन सा कैमरा यूज करते हो। और भाई आज को आप मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि ये जो मैं सेटअप यूज करता हूँ काफी सस्ता चीप सेटअप है, और मैं प्रोफेशनल लेवल की मैं वेडिंग भी शूट कर लेता हूँ, और ब्लॉगिंग तो क्वालिटी मेरी देखते हो किस तरह की ब्लॉगिंग की मतलब क्वालिटी निकल के आती है। तो जो लोग भाई ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर वेडिंग करना चाहते हैं, नए सामान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई लोग इस वीडियो में बने रहो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बताऊंगा कि मेरा एक चैनल और है जिसपे 5,000+ सब्सक्राइबर है, तो उस पर मैं कुछ नया कॉन्टेंट लेके आने वाला हूँ। मतलब कि यार देखो मेरे को मीम्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो सोच रहा हूँ उसमें मैं मीम्स रिव्यू करूँ, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इस तरह का कंटेंट देखना। अब जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे, जाके यार प्लीज 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जाके उसको सब्सक्राइब कर दो यार, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बस आओ देख लो। और इस सेटअप में सोनी का कोई चीज भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं सोनी यूजर भी हूँ लेकिन थोड़ा बहुत सोनी यूजर हूँ लेकिन वो बंदा कोई और चलाता है, क्योंकि सोनी के कलर्स मुझे इतने फ्लैट लगते हैं ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन भाई वीडियोग्राफी के मामले में, सिनेमेटोग्राफी के मामले में भाई सोनी यूजर्स वाला कोई जवाब नहीं है। सोनी एक भाई प्रोफेशनल ब्रांड है, लेकिन भाई कैनन भी कोई चीज़ ही है। तो मैं फिलहाल आपको कैनन का सेटअप दिखाने वाला हूँ, वो सेटअप है जिससे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो और आप उससे वेडिंग सब कुछ कर सकते हो A to Z। और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, एक आपके पास कैमरा बैग होना चाहिए, जो कि अराउंड मैंने इसको चांदनी चौकी मार्केट से खरीदा था, वही 500 रुपये। तो 500 रुपये आप यहाँ प्लस कर दो। अब इसको सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे कुछ सामान आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले ये है एक एमरजेंसी लाइट। अब ये इमरजेंसी लाइट बहुत ज़्यादा काम की, जब आप वेडिंग करोगे तो आप जो कैमरे पे इसको अडेप्ट करके, जहाँ पे लाइट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डल होती है, जब आपको बारात चढ़ानी होती है, जब आपको बारात को मतलब एंट्री करानी होती है, तो लाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 2500 रुपये की लाइट है। अब इसके साथ आपको एक बैटरी मिल जाती है कुछ इस तरह की, जो कि 2500-2600 रुपये के साथ आपको बैटरी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बैटरी से आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीदनी पड़ेगी, जो कि मैंने ये खरीद कर रखी हुई है, अभी तक मैंने इसका रैपर भी नहीं फेंका है। और इसका आप एमएच देख लो, 17,900 mAh की बैटरी है भाई, एक पावर बैंक ही समझ लो, ठीक है। उसके बाद ये कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरी है, एक तो मैंने लगा रखी है और एक ये एक्स्ट्रा बैटरी है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये इस तरह की आपके पास एक फ्लैश होनी ही चाहिए। अब ये मेरे पास गोडेक्स की TT520 फ्लैश है। अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो वही अराउंड आपको 3,000 रुपये तक की आसपास आपको ये फ्लैश मिल जाएगी, और ये आपके पास होनी चाहिए अगर आपको वेडिंग करनी है तो। इसमें सस्ती भी आती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, गोडेक्स जैसे ब्रांड के साथ आपको मिल जाती है और काफ़ी अच्छी है। और ये इसके साथ एक ट्रिगर भी आता है, आई थिंक मैं आपको दिखा दूँ अगर होगा तो। चलो कोई बात नहीं, मुझे मिल रहा है, तो उसके साथ एक ट्रिगर भी आता है जिससे आप यूज करके गोडोक्स की मतलब फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आता है भाई, एक ये लेंस। अब ये जो लेंस है इसको भाई मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ पोर्ट्रेट्स के लिए, और भाई ये 50mm का लेंस है। ये एक लेंस आप पूरी की पूरी वेडिंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लेंस है। अभी आपको जितना ये बड़ा लेंस दिख रहा है, इतना बड़ा ये लेंस है नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बिल्ट्रॉक्स का अडेप्टर लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 50mm का लेंस है। और ये कि हुड भाई काफ़ी अच्छा लेंस है, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हो, बजट नहीं है ना कोई और लेंस खरीदने का, तो एक ये लेंस खरीद लो। और प्राइस की बात करें तो 10,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा नया, सेकंड हैंड आपको 6-7,000 रुपये का मिल जाएगा, तो आप इसको नया खरीदो तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये है भाई कैमरे का चार्जर, जो कि आप कैमरा खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये इसकी डाटा केबल है, ठीक है। और ये फ्लैश की बैटरी चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी सेटअप मैंने आपको दिखा दिया, ये कुछ सेटअप है। उसके बाद अब जो मैं फिलहाल एक महीने से जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है ये Xion का Vevel S गिम्बल। अब भाई इस गिम्बल को अगर आप यूज कर रहे हो तो समझ लो कि आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो, क्योंकि भाई इसको वही बंदे चला पाते हैं जिसको चीज़ की नॉलेज होती है। अब ये 3 एक्सेस का गिम्बल है,
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक मोटर, दो मोटर, ये तीन मोटर, थ्री एक्सेस का गिम्बल है, काफ़ी अच्छा गिम्बल है। इसको मैं अगर आपको ऑन ओपन करके दिखाऊँ, एक मिनट रुक जाओ, ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लो गाइस, गिम्बल को बॉक्स से निकालने के बाद कुछ इस तरह का इसका ये केस दिखता है। आई नो कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे इनको एक ना कैरी बैग की तरह इसको बना देना चाहिए था, जो कि DJI में मिलता है, लेकिन भाई इसमें नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये देखो गिम्बल है, कुछ इस तरह ये दिखता है। इसके अंदर थ्री एक्सेस गिम्बल, यानी कि तीन मोटर इसके अंदर लगी होती है, एक दो और ये तीन। देख लो, ये हो गया एक मोटर, ये होगी दूसरी मोटर, ये होगी तीसरी मोटर, साथ में इसका आपको दो सेल मिल जाते हैं। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं, अराउंड 25,000 रुपये का इसका ये पूरा ये सेटअप है, विदाउट कॉम्बो। कॉम्बो लेने जाओगे तो आपको ये 35,000 से ऊपर के पड़ेगा। मैंने कॉम्बो लिया था, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही दिखा रहा हूँ। तो ये है कुछ मेरा सेटअप, और इसको खोलने के बाद कुछ इस तरह से ये बिखरा सा लगता है, ठीक है। और उसके बाद अभी जो मैं इंडोर, जो मैं अब यही सेटअप है जिससे मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, और बात करेंगे कैमरे की, तो जिस कैमरे से ये शूट हो रहा है वो है कैनन का M50 Mark II। उसको भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। इस कैमरे की बात करें तो ये रहा मेरे पास कैमरा, ये है कैनन का M50 Mark II वेरियंट है, और इसके साथ जो ये लेंस लगा पड़ा ये है 1545, जो कि वाइड लेंस है, जो कि मेरे को काम करता है बहुत ज़्यादा जब इसको मैं वेडिंग्स में यूज करता हूँ। उसके बाद इस लेंस को मैंने आपको दिखाई दिया 50mm का, तो ये इन दोनों लेंसेस से आप अच्छी वेडिंग कर सकते हो भाई, मैंने तो इससे कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है शॉट के लिए, आपको थोड़ा सा आपको फुर्तीला होना पड़ेगा। उसके बाद इंडोर में शूट करने के लिए मेरे पास एक रिंग लाइट है, तो इस रिंग लाइट को मैं यूज़ करता हूँ। ये 18 सेंटीमीटर की रिंग लाइट है और ट्रिपल टोन में है। इसको भी मैंने 1200 रुपये का अराउंड, मतलब इसको मैंने परचेस किया था। इस तरफ आ जाएंगे, ये है मेरा PC, और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर मैं सारी की सारी अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूँ। और ये तो सिर्फ LED है, तो आप PC जो भी CPU यहाँ अंदर रखा हुआ है, आपको इसमें RGB लाइटें दिख रही होंगी साइड में। तो ये इसकी बात करो तो ये है मेरे पास i7 का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये प्रीमियर प्रो है, जिसको मैं यूज करता हूँ। प्रीमियर प्रो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसी में सारी अपनी सारी की सारी वीडियो एडिट करता हूँ। और साउंड के लिए भाई ये मेरे पास एक टावर है, जो कि डेंजो, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। और आप जो बैकग्राउंड में जो लाइट देखते हैं नीली पीली हरी जो जलती रहती है, उसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ। इसकी कॉस्ट है अराउंड 300 रुपये के आसपास, चांदनी चौक से मैंने लिया था। तो ये ऑल ओवर जो भी सेटअप है, अभी मैंने सब कुछ समेट दिया है, तो यही सेटअप मैं सारा यूज करता हूँ। तो गाइस यही है मेरा ऑल ओवर सेटअप, इन सब चीज़ों को यूज करके मैं अपनी ब्लॉग वीडियो बनानी हो उसको बनाता हूँ, किसी की वेडिंग करनी हो मैं उसको करता हूँ। और अगर जो बजट के बाहर होती है, जो मतलब हाई प्रोफेशनल वेडिंग होती है, उसमें भाई देखो सोनी तो यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी उसी से बेस्ट होती है। बाकी जो चीप वेडिंग होती है, आम चीप तो नहीं कहेंगे, मतलब जो 50,000 से नीचे की वेडिंग होती है, उसमें मैं यही सारा सेटअप यूज करता हूँ। तो आपको इन सब सामानों को परचेस कर लेना है, सारा काम हो जाएगा। यूट्यूब भी कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो भी कर सकते हो, और प्लस वेडिंग भी करके पैसा भी अर्न कर सकते हो। यही सेटअप है, सब टोटल कर लेना कितना होता है, बाकी मैं यहाँ कहीं कोने पर लगा दूंगा टोटल सब कुछ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी वीडियो तो भाई एक सब्सक्राइब वाला कर दो, बस इसको 10,000 तक फटाफट पहुंचा दो, और सेकंड चैनल का प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तो ये मजे काटेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।